आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के छात्र हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दोहा शीर्षक पाठ। मेरे प्यारे बच्चों, दोहा शीर्षक पाठ जो कि रचित है कविवर रहीम दास जी के द्वारा या कविवर रहीम जी के द्वारा, और यह हिंदी काव्यखंड का पाठ है। और इस पाठ का यानी दोहा शीर्षक पाठ का मैं आपको पढ़ाऊंगा कविवर रहीम दास जी का दोहा संख्या 5, जो कि इस प्रकार से है। कहि रहीम संपति सगे बनत बहुत बहु रीति, विपत कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। इस दोहे का बिल्कुल आसान सा मैं आपको प्रसंग लिखने का तरीका बताऊंगा, आसान सी व्याख्या और बिल्कुल आसान काव्य सौंदर्य बताऊंगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। उसके पहले मैं आपको एक और सूचना देना चाहूंगा, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपने हिंदी काव्यखंड का जो पहला पाठ है साखी शीर्षक पाठ, जिसके रचनाकार हैं कविवर कबीर दास जी और साखी संख्या 1, सतगुर हमसु रीझ करी एक कहया प्रसंग, साखी संख्या 1 से लगाकर साखी संख्या 15 तक सभी साखियों का मैंने अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कराया है, अलग अलग इनका संदर्भ प्रसंग व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताया है वीडियो के माध्यम से। आप अपनी नोट्स बना सकते हैं, यदि आप देखना चाहते हैं वीडियो तो आप कमेंट करें, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। इसके बाद अगला जो चैप्टर है पदावली शीर्षक पाठ, जो कि मीराबाई जी के द्वारा रचित है, और इनके द्वारा रचित जितनी भी पदावलियां हैं यानी इसमें जितने भी पद्यांश हैं, कुल 5 पद्यांश हैं, सभी को मैंने पढ़ा दिया है, संदर्भ सहित व्याख्या बता दी है, आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए यहां पर मैं आपको बता दूं यह जो दोहा है इसका संदर्भ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से आप संदर्भ हेडिंग डाल दीजिएगा। उसके पहले आपको करना क्या होगा कि जब भी आप संदर्भ लिखें, आप जिस भी पद्यांश का संदर्भ लिख रहे हो उसके शुरुआत के शब्दों को जरूर लिख लें। जैसे कि यहां आप ध्यान दीजिएगा, काले पेन से आपको लिखना है कहि रहीम, इस तरीके से लिख लेना है जब भी आप अपनी नोट्स बनाओगे, और इसके बाद ये इस तरीके से आप कर देना और लास्ट के शब्दों को इस तरीके से लिख लेना। तो नोट्स पर आप संदर्भ एक जगह लिख लीजिएगा, पहले दोहे के अंतर्गत बस संदर्भ एक ही रहता है, प्रसंग व्याख्या और काव्य सौंदर्य में थोड़ा बदलाव रहता है, काव्य सौंदर्य में थोड़ा बदलाव रहता है लेकिन प्रसंग व्याख्या ये सब बदले हुए होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ क्या होगा, इस तरीके से आप हेडिंग डाल दीजिएगा संदर्भ, और क्या हो जाएगा संदर्भ कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ पुस्तक हिंदी, आप काले पेन से लिखिएगा, हिंदी काव्य आप काले पेन से लिख दीजिएगा, में संकलित एवं रहीम द्वारा रचित। रचयिता कौन है, कविवर रहीम दास जी हैं, तो इनका नाम भी आपको काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखना पड़ेगा। फिर दोहा शीर्षक पाठ से उत्तरित है, पाठ का नाम क्या है दोहा शीर्षक पाठ, तो आप ध्यान दीजिएगा संदर्भ लिखते समय आपने यहाँ जो देखे हैं मुख्य मुख्य बिंदु काले पेन से लिखे हुए, इन्हें आपको काले पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत ही लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ सेम यही रहेगा रहीम दास जी के दोहा शीर्षक पाठ का, कोई भी दोहा आपकी परीक्षा में आता है तो आप संदर्भ सेम ऐसे ही लिख सकते हैं। अब बारी आती है मेरे प्यारे बच्चों प्रसंग की, तो प्रसंग क्या हो जाएगा, प्रस्तुत दोहे में कवि ने सच्चे मित्र की पहचान बतलाई है। प्रस्तुत दोहे के अंतर्गत कवि ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है, क्या पहचान बताई है, तो चलिए मैं आपको सरल व्याख्या बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो है कैसे आपको व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना है। तो कहि रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। कविवर रहीम दास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तो अनेक लोग तरह तरह से उसके सगे संबंधी बन जाते हैं, और ये 100% सच है मेरे प्यारे बच्चों कि यदि आपके पास संपत्ति है, धन दौलत है और आपका घर अच्छा है, आपके पास काफी ज्यादा इनकम है, तो आपके एक से बढ़कर एक मित्र होते
बनते रहेंगे, सभी सगे संबंधी बनते रहेंगे, कोई ना कोई आपका संबंधी या रिश्तेदार बताकर आपके पास आता रहेगा। तो कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीत। क्या कहते हैं कविवर रहीम दास जी कि जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीत, यानी जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तो अनेक लोग तरह तरह से उसके सगे संबंधी बन जाते हैं। संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीत, यानी तरह तरह के लोग उसके सगे संबंधी बन जाते हैं। किंतु क्या होता है, दिपति कसौटी जे कसे ते ही साचे नीत। किंतु रहीमदास जी कहते हैं कि जो विपत्ति के समय भी मित्रता नहीं छोड़ते वही सच्चे मित्र होते हैं। दिपति कसौटी जे कसे ते ही साचे मित्र। कविवर रहीमदास जी क्या कहते हैं कि जो मित्र आपकी विपत्ति में सहायता करता है, विपत्ति के समय आपके साथ रहता है, वही सच्चा मित्र कहलाता है, और साथ ही साथ वही यानी उसका ही भरोसा आप कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बड़ी अच्छी व्याख्या बताई है इस दोहे की। तो चलिए मैं आपको बता दूं कैसे आपको व्याख्या लिखना है। तो कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीति, इस तरीके से आप व्याख्या हेडिंग डाल देना। काले पेन से डालिएगा, आप लोग लाल पेन का प्रयोग मत करिएगा। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, कवि रहीम कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तो अनेक लोग तरह तरह से उसके सगे संबंधी बन जाते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। कविवर रहीम दास जी कहते हैं किंतु जो विपत्ति के समय भी मित्रता नहीं छोड़ते, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत, अर्थात जो विपत्ति के समय भी क्या करते हैं, मित्रता नहीं छोड़ते, वही सच्चे मित्र होते हैं। और इस प्रकार सच्चा मित्र विपत्ति की कसौटी पर सदैव खरा उतरता है। तो कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। बिल्कुल आसान सी व्याख्या थी, मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, काव्य सौंदर्य कैसे लिखा जाएगा, काले पेन से आप हेडिंग डाल दीजिएगा। काव्य सौंदर्य पहला बिंदु है, संकट में साथ देना ही मित्रता की कसौटी है। यदि मित्र का मित्र कोई अच्छा है और वह संकट में साथ देता है तो ही मित्रता सच्ची मानी जाती है। और अगला बिंदु है यहाँ पर भाषा। तो भाषा क्या है, मैंने आपको बताया है कि रहीम दास जी के द्वारा रचित जितने भी दोहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, सभी दोहों की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। रस कौन सा है, शांत रस है। छंद कौन सा है, दोहा छंद में रचित है। और अलंकार यहाँ पर अनुप्रास और रूपक अलंकार है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको इस दोहे का सरल प्रसंग व्याख्या और काव्य सौंदर्य बता दिया है। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि रहीम दास जी के द्वारा रचित दोहा संख्या 6, जाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह, रहिमन मछरी नीर को ताऊ न छाड़त छोह। तो इसका मैं आपको अगले वीडियो में संदर्भ प्रसंग व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखने का आसान तरीका बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।